बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून, मैं हूं जवाद फैजी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस हुकूमत को कैसे गैरत दिलाई जाए, इस हुकूमत के कान पे कैसे जूं छोड़ी जाए, और कौन सी जूं छोड़ी जाए, किस साइज़ की जूं छोड़ी जाए कि इनके थोड़ी सी भी हरकत आ जाए और गैरत आ जाए, हमीयत आ जाए। हमें बस यही सुनाया गया, पेट फाड़ देंगे, ख़जाना खाली है, वापस लेके आएंगे पैसे। वो मुँह पर भी नहीं कोई दे मार रहा, कोई वज़ीर ख़जाना तब्दील पर तब्दील, तब्दील पर तब्दील। ये सारे इश्यूज हम देख देख के कसम खुदा की दिमाग जो है वो माउफ होने लग गया है। लेकिन आज ये सारी सियासत की बातें कि नवाज शरीफ का घर गिरेगा कि नहीं गिरेगा, हमने माजी में जनाब काजी हुसैन अहमद को भी उन महल्लात के खिलाफ तहरीक चलाते देखा, फिर हमने देखा सिरे महल की बात है, फिर हमने देखा कि स्विस अकाउंट्स की बातें हैं, किधर गए वो सारे? वो खान साहब कौन तुहानू समझाता है, कौन पढ़ाता है यार, खुदा का खौफ करो। लेकिन आज हमारा टॉपिक एक और है, वो ये है कि पाकिस्तान और इसके मुआशरे के अंदर जिस कदर ये रच बस गया है कि जिसको बुखार भी हो गया है वो भी आमल बाबा ढूंढता है कि दम दरूद करा लो। मैंने एक दफ़ा मौलाना फजल रहमान से ये पूछा उलमा की मौजूदगी में कि मैंने एक किताब पढ़ रहा था जी, उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को दम नहीं किया था, और आपकी क्या इस पर जवाब है? उन्होंने कहा मेरी रिसर्च नहीं है, मेरी तहकीक इस पर नहीं है, मैं कुछ कह नहीं सकता। अगर यहाँ तक उलमा को नहीं पता तो फिर ये किसने हमें इस दलदल में धकेल दिया है? आज का टॉपिक ये है नाजरीन, जो हमारा रोज़मर्रा मामला है। मैं शहरों में रहने वालों की बात नहीं कर रहा, जहालत तो जहालत है, वो कहीं पे भी हो सकती है। मक्के के अंदर भी जाहिल लोग रह सकते हैं, मदीने में भी जाहिल हो सकते हैं, जिन पे अगर अल्लाह ताला ने मोरें लगा दी हैं जिनके दिलो दिमाग पे, तो वो क्या कर लेंगे। लेकिन मुझे आज इंतहाई अफसोस हो रहा है, मैं भी बच्चों वाला हूँ, मैं देखता हूँ कि किस तरह लोगों के बच्चों के साथ खिलवाड़ होता है, कभी मदरसे में होता है, कभी स्कूल में होता है, कभी मोहल्ले में होता है। हमारी गैरत कहीं मर गई है, जनाजा कहीं निकल गया है। लेकिन आज का वाक़या तो मेरे लिए बहुत ही अब जो है ना वो दिल हिला देने वाला है, दिमाग को झंझोड़ने वाला है। मुजफ्फरगढ़ के इलाके शाह जमाल में एक 3 साल बच्ची, उसकी तबीयत ख़राब हुई, उसकी वालदा और दादी उसको पीरनी साहबा के पास ले गई, और पीरनी ने उसके कह दिया जी कि जिन निकालने हैं, और उसको गुस्से में दीवार पे पटखा ज़ोर से और ज़ोर से मारा, और 3 साल की बच्ची वो शहीद हो गई, अल्लाह को प्यारी हो गई। और इस पे कोई इंतज़ामिया के कान पे जू नहीं रेंगती, कोई गैरत नहीं करता। वजारत दाखिला में इतना पता है कि तहरीक लबैक को जो है वो कालादम किस तरह करार देना है, पाबंदी किस तरह लगानी है। फ्रांस का सफ़ीर आज शेख रशीद बोल रहे थे, कह रहे थे जी कि ख़त्म नबूवत और नामोस रसालत बहुत अहम है, लेकिन हमने ज़िंदा भी रहना है। अब वो मुजाहिद ख़त्म नबूवत भी कहीं बिल में घुस गया है और कोई दूसरा शेख रशीद हमारे सामने आ रहा है। और भाई वज़ीर दाखिला हो, कम अज़ कम इस पर ही नोटिस ले लो, किस बात का डर है? पीरनी का डर है, किसी का पीरनी के मुरीद का डर है जो तुम्हें चपड़ासी नहीं रखना चाहता था? 3 साल की बच्ची, उसको बुखार अगर हो गया है और उसको हम दम दरुद कराने ले गए हैं, और उस पर जो है वो पीरनी ने उसको पटक के उसको दीवार से दे मारा, उसकी जान ले ली, और उस पर इंतहाई अफसोसनाक ये मामला कि FIR दर्ज हो गई बच्ची के वालिद की जानिब से उसकी मदईयत में। लेकिन पुलिस कह रही है जी तदफीन हो जाएगी बच्ची की, तो उसके बाद हम उसकी कब्र कुशाई की दरख्वास्त करेंगे और फिर उस पर। यार इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, डूब के मर जाओ यार, उसकी तदफीन बहुत जरूरी थी। अगर मुकदमा ही चलाना है, अगर उस पर कार्रवाई करनी है, तो फिर तदफीन करके 3 साल बच्ची की फिर कब्र कुशाई, यार इंतहाई अफसोसनाक मामला है। और अगर इसी तरह की बात करें तो चंद दिन पहले रहीम यार खान में गुलशन उस्मान की एक राशि खातून नाजिया बीबी साहबा, वो अपनी भाभी को मुसर्रत बेगम को ले गई जी कि इस पर भी कोई साया है, आसेब है, और पीर सफदर शाह साहब के पास ले गई वो, और उसने भी उसका जिन निकालने के चक्करों में उस पर ऐसा तशद्दुद किया कि उसका बाजू तोड़ दिया। जिन निकालने के तरीके हैं, लेकिन वो कोई आमिल ऐसा हो जिसको पता हो कुरान और सुन्ना क्या है, अहादीस की रोशनी में किस तरह निकालने हैं, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है। अन्यवा गलाजत की गलाजत में डूबे हुए आमिल बाबे हमें मिल गए हैं और उस पर वजारत दाखिला कोई एक्शन नहीं ले रही। इसी तरह शेखुपुरा के इलाके लद्दे के में वो जाली पीर ने वो जी दम करने के चक्करों में जवान साल लड़की का रेप कर दिया, उसकी इज्जत तार तार कर दी है, इस पे भी वजारत दाखिला बिल्कुल खामोश है। ये वाकया अभी चंद दिन पहले हुआ है, नारंग मंडी के थाने के अंदर इसकी FIR दर्ज हुई है, और
पीर साहब जाली पीर अफजल साहब, अफजल कादरी की बात नहीं कर रहा, वो आजकल फिर सिक्का बंद पीर हो गए हैं अफजल कादरी, जिन्होंने साद रिजवी के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज कराई और इल्ज़ाम लगाए हैं पैसों के। उन अफजल कादरी साहब की बात नहीं कर रहा, मैं पीर अफजल की बात कर रहा हूँ, वो जो है वो भी मफरूर हो गया है। हर बंदा जो है वो यहाँ जिन निकाल रहा है, और इमरान खान जिन कौन कटेगा, और क्या पीरनी सभा इतनी उससे अंगूठियाँ घुमाते रहना, अंगूठी कभी इधर घुमाओ, कभी चीची में घुमाओ, कभी चीची का छल्ला बनाओ, कभी उसको यूं यूं करके दिखाओ, कभी तकरीर करते हुए यूं यूं करो, कभी बैठे बैठे यूं यूं करते रहो, यार किस चक्कर में पड़ गए हैं हम, किस अजाब में मुब्तला हो गए हैं। यहाँ छोटी छोटी बच्चियां महफूज नहीं है, यहाँ बच्चे महफूज नहीं है, यहाँ दम कराने जाओ तो एक दम से आगे से इज्जत पे हमला हो जाता है। यार ये कौन सा दम है और कौन सा एक दम है, खुदा का खौफ करो। शेख रशीद साहब आप तो मुजाहिद खत्म नबूवत होने का दावा करते थे ना, शोरज कश्मीरी का जाली शागिर्द होने का दावा करते थे, लेकिन यार अल्लाह के वास्ते इस अजाब से तो महफूज कराओ वजारत दाखिला वालों, कब गैरत तो हमीयत जागेगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे दावा ये करते हो रियासत मदीना का कि एक कुत्ता भी भूखा नहर फुरात के किनारे मर गया तो जवाबदेही वाला निज़ाम लेके आना चाहते हैं हम, खुलफा की बात करते हो, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हो। और मैं लोगों से भी गुजारिश करूंगा, खुदा के वास्ते, खुदा के वास्ते, गुर्बत है, महंगाई है, डॉक्टर की फीस नहीं है, ये छोटे छोटे दम दरूज से हम सारा सारा मामला चलाने के चक्करों में रहते हैं। अपने बच्चों की कुर्बानियाँ मत दो, अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो। मैं सच्ची बात है, बहुत सारे मौजूदात थे मेरे, बिखरे पड़े थे सैकड़ों उनवा मेरे आगे, आज तो मैंने कोई बात इंटरनेशनल लेवल की करनी थी, ईरान और सऊदी अरब के माबैन मजाकरात जो 4 साल से उनके ताल्लुकात मुनकते हैं, उस पर सोच रहा था कि अल्लाह का शुक्र है कोई अच्छी अच्छी खबर भी आई है, ये थोड़ी सी शिद्दतें कम होंगी, थोड़े से मुसलमान ममालिक भी थोड़े से गैरत करेंगे, आपस में इकाई दिखाएंगे। लेकिन अफसोस कि हमारे अपने मुआशरे के अंदर कराची देख लें, वहाँ कुरान बैंक भी बना दिए हैं कि जी मर गया कोई तो आके पैसे दो और इतने कुरान बख्शवा लो अपने मरे हुओं को। कभी एबटाबाद मानसहरा में देखता हूँ तो वहाँ पर भी काले और स्याह पीर जो है जल यामल बाबे वो क्या क्या कुछ कर रहे हैं। लाहौर में देख लीजिए, हर गाँव में चकले नहीं इतने खुले हुए जितने ये जाली पीरखाने खुल गए हुए हैं। यार खुदा का खौफ करो, शेख रशीद साहब रब दा वास्ता जी, कोई गैरत करो, कोई शर्म करो, कोई हया करो। और इमरान खान साहब पीरनी तुहाड़ी बड़ी मुअज्ज़ज़ है, बड़ी अहम बात है, बड़ी अच्छी बात है, आप उसके पीछे चले, लेकिन बच्चों का मुस्तकबिल महफूज कर दो, तुम्हें दुआएँ देंगे, वरना कसम खुदा की वो लितरों लितरी काम होना है ना, छितरों छितरी, तुम कहीं मुँह दिखाने जोगे नहीं रहोगे। बच्चों के साथ इतने जुल्म करो, ऐलान ये करो, वजारत दाखिला पूरा ऐलान करे कि ऐसे जहां जहां पीर है उनके खिलाफ ऑपरेशन हो। तुमने सिर्फ मजहबी जमातों का मक्कू ठपना है बस, और कुछ नहीं है, और कोई काम नहीं है तुम्हारे जुम्मे। हालात यार अंदरूनी हालात, हाउस इन ऑर्डर करो ना, कह दिया बाजवा साहब ने, करते क्यों नहीं हो, खुदा का खौफ करो यार। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।